हाँ जी सर, ठीक चलिए लतिका कीजिए डेमो स्टार्ट अपना। है सर, आप ये मानिए कि गुड जैसे गुड। मेंबर ने बोला है कि आप अपना डेमो शुरू कीजिएगा, वहां पर जो है बोर्ड है, मार्कर है, सब कुछ है, तो कुछ स्टार्ट कीजिए। कैसे करोगे? पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है सर। सर सबसे पहले अगर डस्टर रखा होगा तो मैं पूछूंगी, कैन आई टेक दिस डस्टर एंड चॉक सर? देन आई विल स्टार्ट माई डेमो। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज 10th अप्रैल 2024। नाउ एज यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास The state, the accounts of sole proprietorship. In sole proprietorship, you have to maintain two accounts, that is trading and profit and loss account. But now we studied one more account, that is profit and loss appropriation account. Now, what's the meaning of this account? Topic is profit and loss appropriation account. As you all know that in sole proprietorship, only one person manages the business. He handles all the activities, so the profit that the firm earns, he वो खुद लेकर जाता है सारा profit. लेकिन when we come to partnership, जिसमें दो या दो से ज्यादा person हो सकते हैं, उसमें जब profit आएगा firm का, वो हमें divide करना पड़ेगा among the partners. So when we divide the profit among the partners, one more account we have prepared, that is profit and loss appropriation account. इस account का काम ही क्या है? जो हमें profit मिला है profit and loss account से, उसको हम इस account के through distribute करेंगे among the partners. Like if we have three partners A, B and C, we have to distribute in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो प्रॉफिट आएगा उसको हम किसमें बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नाउ यू नो द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. क्या करते थे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स लिखते थे, देन अमाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर एंड अमाउंट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन डेबिट साइड वी हैव टू राइट एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस दैट फर्म मेड, एंड दिस साइड वी राइट इनकम ऑफ द फर्म, दैट द इनकम अर्न. जब सारे एक्सपेंसेस और इनकम को लिख लिया जाता है, लास्ट में हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. इतना हमने 11th क्लास में सीख चुके थे हम कैसे हम निकालेंगे अपना नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या बना रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले यहां पर सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. सो द फर्स्ट आइटम दैट विल ट्रांसफर इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट लिया था या कंपनी का नेट लॉस आया था, सबसे पहले हम उसकी एंट्री यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे. अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो हमारा क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन लॉस आया है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर फ्रॉम टू प्रॉफिट सॉरी टू लॉस ट्रांसफर टू ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद अगर हमारे पास थ्री पार्टनर हैं, इन्होंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बिजनेस को, मान लो ए 1 लाख लाया है, बी भी 1 लाख लाया है और सी 2 लाख लाया है, तो ये बोलेंगे कि हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए. हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ इनकम चाहिए. अगर हम इस इनकम को, इस कैपिटल को कहीं और लगाते हैं तो भी हमें कुछ प्रॉफिट मिलता. तो पार्टनर्स क्या डिमांड करते हैं? सम इनकम. पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, बट कंपनी के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है.
सो यहाँ हम लिखेंगे उनको क्या देंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी और सी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जो उन्होंने जितनी भी कैपिटल लगाई है कंपनी में। देन बी डिमांड करता है कि मुझे एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए या कमीशन चाहिए क्योंकि मैं कंपनी में ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी पार्टनर डिमांड करता है उसको हम सैलरी देंगे। मान लो बी ने सैलरी क्लेम की है तो हम लिखेंगे टू बी सैलरी, अगर सी ने कमीशन चार्ज करनी है तो लिखेंगे टू सी कमीशन। इस साइड मेनली यही आइटम्स आती हैं। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग एज यू ऑल नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग मतलब क्या होता है, जब पार्टनर कुछ कुछ अमाउंट निकलवाते हैं फर्म में से अपने पर्सनल यूज के लिए उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को देना होता लेता है वो पार्टनर से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था कंपनी के लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, तो वो क्रेडिट साइड आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, हमारे तीन पार्टनर है फर्म में, ए बी एंड सी। अब ये मेनली हमारा परफॉर्मा बन चुका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बट अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आप सारे पार्टनर्स में बांट दोगे पूरा पैसा, कुछ पैसा आप फर्म के एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए भी रखोगे। सो द लास्ट वन इज कुछ पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी सर मैं ऊपर लिखती हूँ, टू जनरल रिजर्व में। सारा पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स में, एक रिजर्व में हम कुछ पैसा ट्रांसफर कर देंगे फॉर द एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फर्म। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर प्रॉफिट आएगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, तीनों पार्टनर में हम वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इससे अगला स्टेप होता है इनकी कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करने का। सो आई होप दिस कंसेप्ट अंडरस्टैंड यू एंड ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द परफॉर्मा इज अंडरस्टूड बाय यू। थैंक यू। आ जाइए जी, बैठो। हाँ जी सर। हाँ जी, एक तो लतिकारा ने आपने डेट लिखी, लेकिन डेट के आगे ना, जैसे टॉपिक के आगे आपने टॉपिक लिखा है, वैसे डेट के आगे डेट मेंशन करना है, ठीक है? ठीक है सर, एक चीज तो ये ठीक है। मैंने नोट की आपकी। दूसरा, आपने सारी चीज एक्सप्लेन की, लेकिन आपने जैसे ये बोला कि पार्टनर को खर्चा, कंपनी का खर्चा होगा तो यहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है ये बताना आपका फर्ज बनता है, हाँ जी इसका रूल सर, दो बताना। बातें रह गई हैं। हाँ जी, एक तो कि ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और सेकंड नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर, ये जब भी आप मेंशन करो तो ये बोलना पड़ेगा आपको कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और इसका रूल आपको बोलना पड़ेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ठीक ओके सर। है, आप बोलिए जो आपने बोलना था वो। एक तो इसी सिस्टम, ये आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट वन, ठीक है सर। आपने क्वेरी नहीं की बच्चों से लास्ट में, टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर आपको बोलना हाँ जी पड़ेगा ये अज्यूम करके कि हाँ जी किसी की क्वेरी है तो बोलिए। ठीक है एक सर। मिनट का पॉज लेना है आपको भाई, उसमें जो मेंबर होंगे वो कुछ बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो आपने बोले फिर बोलना थैंक यू। एक ये ठीक है तो सर। आपको ठीक कर सुधारने की जरूरत है, और जो आप बोल सकते हो कि थर्ड वन जो आता है वो आता है जो आपने बोर्ड को इरेज नहीं किया, हाँ जी बोर्ड को इरेज करना है क्यों, ताकि नेक्स्ट कैंडिडेट आए तो उसको क्लीन बोर्ड मिलना चाहिए। ठीक है सर। ये है, ये आपको करना जरूरी है। बाकी टॉपिक ओवरऑल ठीक था आपका, लेकिन ये थोड़ा सा जो अपने टॉपिक उठाए थोड़ा लेंथी हो जाता है हाँ जी ना बात मेरे को। मान ली कि आप प्रॉफिट एंड हाँ लॉस जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहते हो, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो गया। अगर सपोज करो कि हाँ जी वो आपको 3 से 5 मिनट ही देंगे मैक्स टू मैक्स, हाँ उसमें जी क्या सर। होगा, उसमें एक तो आपको देखेंगे कि बोर्ड पे आपने डेट लिखी है, टॉपिक लिखा है या नहीं लिखा, लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना है, जैसे आपने लिखा तो ठीक है, ठीक
ठीक है, साथ में हाँ बोर्ड जी को सर, क्लीन करना है, थैंक यू बोलना, मतलब वो गेस्चर यही चेक कर रहे हैं, हाँ आप जी, पेन क्या चेक करो ये नहीं, समझ रहे हो ना बात है। तो हाँ टॉपिक को जी थोड़ा सर, सा कंक्लूड करके रखिएगा, आप एप्रोप्रिएशन बताना चाहते हो लेकिन उससे पहले अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो इतना टाइम नहीं है उनके पास कि पहले आपके सर ये ट्रेडिंग, स्किप कर दूँ इसमें से? बिल्कुल स्किप कर सकते हो, या फिर कोई टॉपिक ऐसा सेलेक्ट कर लो जिसमें डायरेक्ट आप बोल सको। सर जैसे एक ही दिन रह गया परसों, तो ट्रेवलिंग में ही रहेगा सारा दिन, तो आप एक तो काम करना, आज मेरे को 3-4 टॉपिक लिख के भेजो, ठीक है, ठीक है, ठीक एक एक पेज के लिख के है सर, भेज देना, और उसमें आपका एक प्लस वन से अकाउंट से, एक प्लस टू की अकाउंट, एक प्लस वन की बिजनेस स्टडी, एक प्लस टू की बिजनेस स्टडी, 4 टॉपिक आप उनकी जो लिखने के बाद उसकी पीडीएफ वगैरह बना के मेरे पास सेंड करो, हाँ ताकि जी मैं देख सकूं भी क्या कुछ इसमें है। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, हो जाए नहीं हो है सर, जाएगा, अरे 10 का है आपका, हो चिंता जाएगा सर, ना करो, अपने बैच में जितने हैं 6 से 7 कैंडिडेट का 10 का ही है, एक कैंडिडेट का ठीक है है सर, मीनू का, उसका 8 का है, एक कैंडिडेट है ठीक है सीमा, उसका 9 का है, और 10 का तो फिर सबका है, 10 तो मॉर्निंग में सभी का है, ठीक मेरा भी है, समझे ना, तो है थोड़ा सा सर, ये करना, 4 टॉपिक आप तैयार करके चलना, ये हो जाएगा। और सर ठीक है, हो जाएगा, 18 तक पीडीएफ डाउनलोड कर दी गई है, उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट की जो पीडीएफ है उनमें मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस को टच किया गया है, जो रहता था अपना वो ठीक सारा है सर, कंप्लीट, कॉमर्स का इससे बाहर नहीं आता, इसमें प्लस वन की अकाउंट, प्लस टू की अकाउंट, प्लस वन की बिजनेस स्टडी, प्लस टू की बिजनेस स्टडी, सारा कंक्लूड करके मैंने डाल दिया है, इससे बाहर हाँ क्वेश्चन जी, नहीं ठीक बनते, ठीक है, है कॉमर्स के सर, नहीं बनेगा, हाँ हरियाणा जीके के कुछ वगैरह पूछ सकता है अलग अलग, उसके रिगार्डिंग हाँ प्री वीडियो भी जी, आया है, आपकी कोई ठीक क्वेरी है सर, हो खासकर डेमो के रिगार्डिंग, तो ये जो आज का फिर टॉपिक चला गया तो डेमो पे ही चला गया, इसको ज्यादा लेंथी नहीं लेता मैं, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपका कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। सर जैसे मैंने टॉपिक लिखा है उसके बाद थोड़ी सी 2-3 लाइनें बोल के उसके बाद अपने टॉपिक को लिखना है, या टॉपिक के लिखने के बाद ही अपना नाम लिख देना है? टॉपिक लिखना है पहले, उसके बाद नाम लिख देना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वहां पर, ठीक है सर, जो हम माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को पहले थोड़ा समझाएं फिर वो थोड़ा कंक्लूड हाँ करें, जी, फिर हाँ टॉपिक लिखें, इतना टाइम नहीं है, समझ ठीक है, हाँ रहे हो ना बात है, डेट लिखा, जी सर, फिर आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक का नेम लिख दिया, फिर उस टॉपिक के नेम के ऊपर 2-4 लाइनें आपने बताई, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने लिख दिया टॉपिक, फिर आप उस पर हाँ लिख जी, सकते हो कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर अकाउंट का जो रूल होता है वो आपका होता है हाँ आपका जी, डेबिट वाला, डेबिट एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हाँ एंड ठीक लॉसेस, क्रेडिट ऑल है इनकम सर, एंड गेन, यहाँ पर भी फिर आप वहां मत चले जाना कि 3 गोल्डन रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, ये हाँ नॉमिनल जी, में हाँ आता जी, है, इतना ज्यादा नहीं ठीक है, है, हाँ टू द पॉइंट अपने को चलना है, फिर आपने चार्ट बना, जी, मतलब उसका जो है फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट एक बार जरूर दे चेक कर जाना क्या क्या उस पर लिख रहा है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट जो भी एक्स वाई हाँ जेड जी, है, ठीक ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एप्रोप्रिएशन क्या गया, अकाउंट लगा रखा है या नहीं लगा रखा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है एडजस्टमेंट अकाउंट सर, एडजस्टमेंट अकाउंट, वो भी साथ में बता देना, ठीक है, फिर ठीक है सर, हम, फिर आप ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बनाना डायरेक्ट, आप बोल सकते हो कि सर ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग क्या आप बोलोगे सर, पीएनएल का जो प्रॉफिट होता है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ठीक है सर, नॉमिनल अकाउंट होता है तो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन लिखते हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लॉस है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, पार्टनर ने अगर कोई ड्रॉइंग निकाली है तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, कंपनी के लिए बेनिफिट है तो इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो इस टाइप से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, और लास्ट में आपको जो एड ऑन करना है उसको बराबर जरूर करना है, ठीक है, फॉर्मेट ठीक है को सर, बंद करना है, खुला मत अकाउंट छोड़ के को, हाँ आना, जी, और लिखना टू द ठीक नेट है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और साथ में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो तो आपको बोलना है कि सर अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है मैटर देखेंगे, अगर ठीक है पार्टनर की सर, हाँ कैपिटल आपकी फिक्स है तो हम करंट अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो जी, हम कैपिटल में, कुछ भी नहीं बोल रखा तो कहीं कैपिटल, क्लिक नहीं करेंगे फ्लक्चुएटिंग मार्केट, ठीक है, ठीक है तो सर, अकाउंट को क्लोज करके आना है, और फिर ठीक सारा है, कंप्लीट होने के बाद आपको बोलना है वहां पर जो मेंबर बैठे होंगे जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे उनको बोलना है कि जैसे लाइक वो ऑडियंस, या आप ऐसा मान सकते हो सर अगर कोई हाँ जी, क्वेरी है तो आप वो कर सकते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं, तो वो 2 मिनट ठीक के है बाद सर, पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, मेरे को पता है, फिर भी आप क्या करना है उसको थैंक यू बोलना है, और फिर अपने बोर्ड को ठीक है इरेज सर, करना है, और फिर आके अपनी सीट पे बैठ जाना है, ये पूरी की पूरी डेमो के रिगार्डिंग, अच्छा सर, ठीक है सर, अच्छा सर, एक होम, मतलब एक वीडियो में देखा था कि लास्ट में कि होम असाइनमेंट आपका कल का ये है,
मतलब उनको बच्चों को काम दे रहे हैं, वो बोल सकते हैं कि नहीं बोलना वो? जरूरी भी नहीं है इतना, बस टॉपिक को एक्सप्लेन करवा रहे हो तो होम असाइनमेंट तो क्वेरीज पूछ के और फिर थैंक यू बोल दें, जो तो आपने टॉपिक करवा दिया वही होम असाइनमेंट है उसका, समझ रहे हो ना बात आप, ठीक है? फिर ज्यादा लेंथ हाँ में जी चला जाएगा। हाँ एक आप ये भी अवॉइड करना कि कैन आई टेक डस्ट योर चॉक, जब उन्होंने भेज दिया आपको ठीक कि है। आइए डेमो के लिए और अपना प्रेजेंटेशन दिए, तो उसमें हाँ इंक्लूड हो गया जी ऑटोमेटिकली, ठीक ठीक है। है सर, ठीक हाँ तो आप है जब भी वो बोले तो उनको बोला कि श्योर sure, सर, वो बोले कि डेमो रिप्रेजेंट करा, आप बोलोगे सर श्योर sure, सर, आप अपने चले गए वहां पर, बोर्ड आपको क्लीन हाँ ही जी मिलेगा। सबसे पहले डेट लिखना, लिखते टाइम बोलना है, ठीक है। हाँ चुप नहीं रहना है, डेट भी लिखो तो लिखो जी डेट, और प्रैक्टिस करो कि आपका 10 को है तो 10 अप्रैल 2024, हाँ जी टॉपिक नेम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ठीक है आइए सर। करते हैं स्टार्ट। ऐसे लगना है कि जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, खुद में नहीं लगना है, बोर्ड पे जो भी लिखो साथ के साथ उसको बोलो। ठीक है सर। हाँ और कोई क्वेरी हो तो आपकी पूछ सकते हो आप। सर फिलहाल तो यही थी इम्प्रूवमेंट। चलो इस पे थोड़ा ध्यान देना और आगे फिर आपका जल्दी इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, कल भी कर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक जी। यू सर।